तो वेलकम गाइस। और आज हम करने वाले हैं एक नया बिजनेस स्टार्ट। हमारे फार्म में आज हम लोग शुगर मिल लगाएंगे और शुगर का नया बिजनेस हम स्टार्ट करने वाले। उसका ऑलरेडी दो ऑर्डर हमारे पास आ चुके शुगर बिजनेस के। एक है शुगर क्यूब और है दूसरे कुकीज। जो कुकीज है उसके लिए हमको शुगर की जरूरत है, तो शुगर जरूर लगेगा। तो आज हम शुगर मिल लगाएंगे, कुछ पैसे खर्च करेंगे, शुगर मिल परचेस करेंगे और उससे रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं। चलो लेट्स गो। चलो ये तो हमारा फार्म है पूरा, ये देखो जो अभी तक है। ऐसा मुझे अब एक नया शुगर का बिजनेस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे शुगर मिल खरीदना पड़ेगा। वो यहाँ है, ये देखो 4500। तो मैं परचेस करूँगा इसे, ये लो, ये मैंने शुगर मिल परचेस कर दिया। तो कहाँ सेट करना है देखते हैं, इसके पीछे ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ अगर मैं नया फार्म के लिए रख दूँगा, ये मैंने शुगर मिल खरीद लिया बस। और शुगर के अभी नए नए बिजनेस जो ऑर्डर आएंगे, शुगर मिल ऑर्डर ऑलरेडी आ चुके थे, मैं अब मिल नहीं था इसीलिए मैं उसे ऑर्डर डिलीवरी कर नहीं पा रहा था। तो अब मैंने मिल ले लिया, तो दो मेरे कुकीज़ के और शुगर क्यूब के मेरे पास ऑर्डर पड़े हुए, तो अब मैं वो बनाऊँगा और यस उससे पैसे कमाएंगे। न्यू बिजनेस स्टार्ट किया अभी हमने शुगर का। ये देख लो क्यूब मैंने लगा दिया ऑर्डर पे, अब ये बनना चढ़ गया। यहाँ दिख रहा होगा क्यूब सब आ रहा है। ये सारी चीज़ें बाद में मैं जैसे जैसे लेवल होगा कर सकता, तो मेरा शुगर बनना चालू हो गया, स्लोली आ रहा है नीचे। तो कुछ मिला है ऑर्डर, देख लो ये मेरा शुगर का ऑर्डर है। 7 शुगर क्यूब देना है मुझे और 5 कुकीज़। ये दोनों चीज़ शुगर के ही बिजनेस हैं, ऑर्डर दे नहीं सकता। देखो इधर लिखा हुआ है कि तुम्हें शुगर लगे तो क्यूब बनेगा, क्यूब से मेरा कुकीज़ बनेगा। ये कुछ रिवॉर्ड मिला है जो कि मिलते रहता है हमेशा। तो ये अपना शुगर मिल, जो आज शुगर मिल का जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर था, तो वो ऑर्डर था ये शुगर क्यूब। और ये पहले मैं ये इसको भेज देता हूँ, ये मेरा डिलीवरी है, ये डिलीवरी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा वैन आना बाकी, क्योंकि वैन आएगा उसके बाद होगा। तो मेरा ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी लीजिए, तो अभी फिलहाल मैं नहीं कर सकता। तो ये जो शुगर का मेरा जो दो ऑर्डर था, ये था एक जो शुगर का क्यूब था और शुगर से जो बनता है ये था कुकीज़। तो कुकीज़ में भी मैंने शुगर का बना, तो दो ऑर्डर जो मेरा शुगर का नया बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो और ये मेरा मिल है शुगर मिल, क्योंकि तुमने देखा ही है कि मैंने अभी परचेज करके इसे बिजनेस नया बिजनेस स्टार्ट किया। तो देखते हैं अभी से इनकम भी करना चालू, क्योंकि ये देखो जो फसल मेरी लग चुकी है, फसल भी मैं काट दूँगा फटाफट, ये लो। और अभी फ़िलहाल मेरा घोड़ा क्या कर रहा है, रेडी है, घोड़े को भेज देते चलो। ओ भाई मैंने घोड़े का बिजनेस कर नहीं सकता, क्योंकि घोड़े का बिजनेस करने के लिए जो राइड है वो राइड मेरा काफ़ी महंगा है। और ये देखो वो क्या, यूनिट बेटर मुझे उसका क्या चाहिए, पोनीस, उसका जो फार्म होता है वो मुझे बेटर चाहिए, बड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो अभी अपग्रेड के लिए फ़िलहाल ये चीज़ नहीं है, तो हम ध्यान देंगे अभी शुगर के बिजनेस पे ही। शुगर के बिजनेस पे ही ध्यान देंगे और ये लगाते जाओ। जूस का भी मेरा ऑर्डर है, तो जूस का भी। तो और यहाँ कुछ को फार्मिंग के लिए रख देता, कम क्या मेरे पास। चलो मेरी वेहकल आ चुकी है सर, ये रहा। तो मैं कुछ फार्म को खाली ही रखेंगे, पहले देख लेते चलो क्या ऑर्डर है। ये तो मेरी कमाई हो गई, थोड़ा पैसे आ जाएंगे। अब देखते, हाँ तो पहला मेरा शुगर का ऑर्डर जो कि मैं भेजने जा रहा हूँ, 168 कॉइंस मुझे कमाने मिल जाएंगे। तो चले गया है हमारा शुगर का ऑर्डर और नया प्याज। तो प्याज का ऑर्डर मैं फुल भर दूँगा, यस प्याज का ऑर्डर है बाद में, और एक शुगर का ऑर्डर है। तो ये दो डिलीवरी आज मैं करूँगा, तो मेरी आज की कमाई जो शुगर के बिजनेस से हो रही है हो गई है। दो ऑर्डर मैं आज कंप्लीट कर दिया हूँ शुगर के बिजनेस से और शुगर मिल से, तो अभी से मुझे काफ़ी अच्छी खासी कमाई होने वाली है शुगर मिल से। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्या इनकम जनरेट करूँगा बताऊँगा। तो पहले मैं ये डिलीवरी कर ही दूँगा, ये जो मेरा कुकीज़ का है ये भी हो ही जाएगा। चलो 6 और 5 हो चुके ऑर्डर, तो मैं देख लिया, 2 ऑर्डर मेरा कंप्लीट है, तो ये आराम से हो जाए। तो शुगर के बिजनेस से देख लिया आपने, 2 मेरी बिजनेस चल रही। अब आगे मैं अगर जो अपडेट होगा, जो अपग्रेड होगा और अगर कुछ नया बिजनेस अगर बड़ा होगा,
जो जो चीज़ नहीं आएगी तो हमें बता देंगे, क्योंकि हमें अपना फार्म को बढ़ाते रहना है और बहुत सारे पैसे कमाते रहने हैं। तो ठीक है, गुड बाय।